hello everyone you are welcome to best notes tutorials today we will be talking about arvind adiga and in arvind adiga this video we will be talking about his works and the summary of the works you can see one by one we will uh, talk about first the white tiger then we will be talking about between the uh, session nation later we will be talking about last man in tower

तो आप लोग ये कोर्सेज़ आप लोग ले सकते हैं और इसमें जो है उत्तराखंड लेक्चरर के जो नोट्स हैं एल के जो नोट्स हैं एंड लिटरेरी टर्म्स कोर्स इज़ कम्प्लीटेड यू पी टी जी टी एंड पी जी टी कोर्सेज़ आर कम्प्लीटेड उत्तराखंड का जो लेक्चरर कोर्स है उसमें आप लोगों को और चाहे आप यू पी टी जी टी पी जी टी कहजिए तो आपको इसमें ग्रामर कोर्स भी आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक एम कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एम कोर्स आप ले सकते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो तो अरविंद अडिका के बारे में बात करते हैं अरविंद अडिका वॉज बॉर्न इन मद्रास नाउ चेन्नई ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑक्टोबर नाइनटीन सेवेंटी फोर नाइनटीन फोर में इनका जन्म हुआ था एंड हिज फादर नेम वॉक्टर के माधवा अडिगा एंड ऊषा अडिगा वॉज हिज़ मदर तो ये उनकी मदर है बोथ ऑफ होम हेल्ड फ्रॉम बैंगलोर और ये दोनों के दोनों बैंगलौर से रिलेटेड हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं एक तो जो डेट ऑफ ईयर है उनका 1974 साथ ही साथ उनके पेरेंट्स का नाम भी आप लोग याद रखिए सो लेट्स गो थ्रू हिज़ वर्कस नाव वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ऑल इस वीडियो में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वाइट टाइगर के बारे में बात करेंगे 2008 में पब्लिश हुई थी बिटवीन द असेसिनेशन इन 2008 अगेन लास्ट मैन इन टावर आ, 2011 सिलेक्शन डे इन 2016 एंड एमनेस्टी 2020 अब अगर आपको ये याद करने हैं शॉर्ट में तो आप देख सकते हैं कि लास्ट मैन इन टावर ये आप एक टावर बना सकते हैं ओके और टावर के ऊपर एक वाइट टाइगर है और वाइट टाइगर ने बाकी सभी को तो खा दिया है वैसे ही बतख जैसा दिखाई दे रहा है बट ये टाइगर आप इसे मान के चल सकते हैं और लास्ट एक मैन जो है वो टाइगर जो है उसने सभी को मार दिया है तो क्योंकि इसने सभी को मार दिया है तो आप इसे बोल सकते हैं असेशिनेशन और और ये लास्ट मैन टावर में बचा हुआ है और इस आदमी का एक्चुअली आज इंटरव्यू था और इसका सिलेक्शन डे था ओके बट टाइगर हैज़ इटन हिम जो टाइगर है उसने उसे खा दिया है वो उससे काफ़ी दया की भीख मांगता है तो एमनेस्टी एमनेस्टी से आपको याद रहेगा कि दया ओके okay. तो ये आपका ये पिक्चराइजेशन मेथड से आप लोगों को सब याद हो गया है। कि टाइगर है टाइगर एक टावर के ऊपर खड़ा है वहाँ पे एक आदमी है जिसका आज सिलेक्शन होने वाला था लेकिन टाइगर उसे मानने वाला है तो वो क्या करता है दया की भीख मांगता है एमनेस्टी इंटरनेशनल में चाह तो इस तरह से आप आ, याद कर सकते हैं इसे द वाइट टाइगर की स्टोरी देखते हैं ये उनकी डेब्यू नावल थी डेब्यू नावल मींस होती है वो फर्स्ट नावल जहाँ से कि एक राइटर अपना जो राइटिंग करियर होता है उसे स्टार्ट करता है बाय इंडियन ऑथर अरविंद अडिगा तो यह अरविंद अडिगा की डेब्यू नावल है कौन सी द वाइट टाइगर फर्स्ट नावल भी आप इसे बोल सकते हैं इट वॉज़ फर्स्ट पब्लिश इन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड एट में ये पब्लिश हुई थी वन फोटीन मैन बुक प्राइज़ और इसे मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं आपके कि ये डेब्यू नॉवल है टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड एट में हुई है पब्लिश और मैन बुकर प्राइज़ मिला था कौन सा वाला था वो था आपका फोटी सो फोर्टी नंबर पर आपको अगर मोन मैन बुकर प्राइज का देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि दी वाइट टाइगर को ये मिला था दी नोवल प्रोवाइड्स अ डार्कली ह्यूमर्स पर्स्पेक्टिव ऑफ इंडिया क्लास क्लास स्ट्रगल इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड एज टोल्ड थ्रू आ रेट्रोस्पेक्टिव नेरेशन फ्राम बलराम हलवाई तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो है आपकी बलराम हलवाई की और बलराम हलवाई एक रेट्रोस्पेक्टिव नेरेशन में इस स्टोरी को बताता है रेट्रोस्पेक्टिव नरेशन जो होता है कहने का मतलब है कि वो पीछे अपनी लाइफ जो उसकी बीत चुकी है उसके बारे में बलराम हलवाई बात करता है वो एक विलेज से छोटे विलेज से आता है इन डिटेलिंग बलराम जर्नी फ्रॉम डेली चौफ सॉरी अ टू रिच लैंडलॉर्ड एंड देन टू बैंगलोर द प्लेस इन विच ही प्लेस तो यहाँ पे क्या है कि जो बलराम हलवाई है वो एक शॉपर की तरह काम करता है किसके यहाँ एक अमीर एक लैंड लैंडलॉर्ड है वो डेली से जाता है फर्स्ट वो डेली में होता है और बाद में वो बेंगलोर चला जाता है तो ये जो स्टोरी है वो है बलराम हलवाई की जो बलराम हलवाई है वहाँ ड्राइवर का वर्क करता है शॉपर या आप ड्राइवर इसे बोल सकते हैं जो बलराम हलवाई है वो अपने मास्टर का मर्डर कर देता है उसका जितना पैसा होता है उसे स्टील कर लेता है चोरी कर लेता है किलिंग हिज मास्टर एंड स्टीलिंग हिज मनी The novel examines इंस of religion, caste, loyalty, corruption, and poverty in India. So, this दिस uh, novel is totally about ये जो है वो है आपका religion के बारे में कास्ट के बारे में लॉयल्टी के बारे में करप्शन के बारे में और poverty के बारे में तो ये सारी चीज़ें इसकी थीम के बारे में आप जान सकते हैं कि ये सारी इसकी थीम हैं अल्टीमेटली बलराम ट्रांसेंस his स्वीट मेकअ कास्ट एंड बिकम्स अ सक्सेसफुल entrepreneur. जो बलराम है वो अब उसका नाम ही बलराम हलवाई था तो वो स्वीट मेकर बनता है और एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है एस्टैब्लिशिंग हिज ओन टैक्सी सर्विस और वो अपना टैक्सी सर्विस भी शुरू करता है अभी हम इसकी पूरी समरी देखने वाले हैं इस पूरे वर्क की बस आपको जो मेन कैरेक्टर हैं अभी उनको याद कर लेना है इन नरेशन प्राउडली शेडिंग हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डिवेलपमेंट ही रिप्रेजेंट एज हिमसेल्फ एज से ही सेज टमोारो तो वो खुद को अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बलराम हलवाई है वो खुद को आ, क्या बोलकर रिप्रेजेंट करता है तो वो खुद को टुमारो बोल के भविष्य बोलकर आने वाले आने वाला कल जो है उसे बोलकर रिप्रजेंट करता है समरी ऑफ दर्क वाइट टाइगर अब देखते हैं इसमें समरी की इसकी जो आ, डिटेल समरी है वो क्या है बलराम हलवाई नरिट्स इज लाइफ इन अ लेटर रिटन इन सेवन कंजिव नाइट्स एंड एड्रेस टू तो द चाइनीज प्रीमियर वैन जिया जियाबाओ तो जो बलराम हलवाई है वो एक लेटर लिखता है ओके नॉट ओनली वन लेटर लेकिन वो आ, लेटर लिख कर किसको लिख रहा है लेटर लेटर लिख रहा हो वैन जियाबाओ को तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो राइटर जो लेटर लिखे गए हों किसको लिखे गए हैं तो वो है आपका वैन जी अबाओ को सेवन कंसेक्यूटिव नाइट्स के बारे में उसने लिखा है जो सेवन नाइट्स के बारे में पूरा लेटर में वो डिटेल से बताता है कि उसमें क्या हुआ इन हिज लेटर बलराम एक्सप्लेन्स हाउ ही इन हिज लेटर बलराम एक्सप्लेन्स हाउ ही द सन ऑफ पुलर स्केप द लाइफ ऑफ सर्विट्यूड टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस लेटर में बलराम हलवाई बताता है कि कैसे वो बहुत ही बुरी स्थिति में था जब सर्विट्यूड था उसका मीन्स उसे अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुश्किल करनी पड़ रही मुश्किल से जीना जीने के लिए उसे बड़ी मुश्किल से चीज़ें इकट्ठी कर पा रहा था वो बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बाद में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर और ख़ुद को एंटरप्रेन्योर बना लेता है बलराम वॉज बॉर्न इन अ रूरल विलेज ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट वो गया डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था बलराम वेर ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर पेरेंट्स ब्रदर एंड एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहता था ही इज़ अ स्मार्ट चाइल्ड बट इज़ फोर्स टू लीव स्कूल इन ऑर्डर टू हेल्प पे फॉर हिज कजिन्स डाउरी अब वो बहुत ही स्मार्ट एक चाइल्ड होता है पढ़ने में बहुत अच्छा होता है लेकिन उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी जो कज़िन है उसके लिए डावरी देनी है एंड बिगिनस टू वर्क इन अ टी शॉप विद हिज ब्रदर इन धनबाद और वो एक टी शॉप पर भी वर्क करता है धनबाद पे उसके बाद वाइल वर्किंग दे बिगिन टू लर्न अबाउट इंडिया गवर्नमेंट एंड एक फ्रॉम कस्टमर्स कॉन्वर्सेशन और जब वो टी शॉप पर वर्क कर रहा होता है तो वहाँ पर लोगों की बातें सुनता है और बातों बातों में वो गवर्नमेंट के बारे में इकॉनमी के बारे में इन सारी चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है बलराम डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ बैड सवेंट बट अ गुड लिसनर बलराम कहता है कि मैं एक बुरा सर्वेंट था लेकिन एक बहुत ही अच्छा लिसनर था और जो अच्छे लिसनर होते हैं यूजुअली वो ज्यादा सीखते हैं डिसाइड्स टू बिकम अ ड्राइवर वो सोचता है कि अब चलिए अब मैं ड्राइवर बन जाता हूं तो पहले वो कहाँ पर काम कर रहा था एक टी शॉप पर काम कर रहा था धनबाद पे लेकिन उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ड्राइवर बनूंगा आफ्टर लर्निंग हाउ टू ड्राइव बलराम फाइंड्स अ जॉब ड्राइविंग अशोक तो बलराम जो है वो अशोक का ड्राइवर बन जाता है ड्राइविंग सीखने के बाद द सन ऑफ वन लक्ष्मण गर्स लैंडलॉर्ड लें, वो कहाँ का लक्ष्मण गर का जो लैंडलॉर्ड है उसका बेटा है कौन अशोक और उसका ड्राइवर बन जाता है बलराम जॉब ऑफ द मेन ड्राइवर वो बहुत तेज होता है इसलिए वो जो मेन ड्राइवर है उसका जॉब वो ले लेता है फ्रॉम अ स्मॉल कार टू अवी लग्जरी डिस्क्राइब्ड हॉन्डा सिटी और वो होंडा सिटी जो एक जो लग्जरी कार थी उसे चलाना शुरू कर देता है मीन्स अब वो मेन ड्राइवर बन चुका है अशोक का ही स्टॉप्स सेंडिंग मनी टू बैक मनी बैक टू हिज फैमिली एंड डिसरिस्पेक्ट हिज ग्रैंड मदर ड्यूरिंग अ ट्रिप बैक टू हिज विलेज अब वो अपने घर कोई भी पैसा नहीं भेजता और अपनी ग्रैंड मदर का भी वो डिसरिस्पेक्ट uh, करता है जब वो एक बार गांव आता है बलराम मूव्स टू तो न्यू डेली विद अशोक एंड हिज़ वाइफ पिंकी मैडम तो जो बलराम है वो अशोक के साथ में और पिंकी मैडम के साथ में डेली चला गया है तो पहले वो धनबाद में था अब वो डेली आ चुका है सरो आउट देर टाइम इन डेली बलराम इज एक्सपोज टू एक्सटेंसिव करप्शन स्पेशली इन दी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है कि जब वो डेली में आता है तो बलराम को बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है कहाँ पर वो गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है उसको बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करता है उसके बारे में देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारा करप्शन है इन डेली द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर एंड वेल्दी इज मेड इवन मोर एविडेंट बाय द अप्रोक्सिमिटी टू वन अनदर यहाँ पर वो देख उसे पता चलता है कि जो डेली में जाने पर उसे पुअर और वेल्दी लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है जो बीच का उनका गैप है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है वन नाइट पिंकी मैडम टेक्स द व्हील फ्राम बलराम वाइल्ड ड्रंक हिट्स समथिंग इन द रोड एंड ड्राइव्स अवे वी वी आर लेफ्ट टू अज्यूम दैट शी हैज़ किल्ड अ चाइल्ड अब यहाँ पर जो स्टोरी है होता ये है कि जब बलराम चल रहा गाड़ी चला रहा होता है जो पिंकी मैडम है उसने क्या किया है ड्रिंक की होती है और वो रोड पर किसी को uh, हिट कर देती है और यहाँ पर स्टोरी में क्लियर तो नहीं है कि क्या है लेकिन यहाँ पर अज्यूम करने के लिए ये दिया जाता है कि एक जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई है अशोक ऑन बलराम टू कन्फेस दैट ही हैड बिन ड्राइविंग अलोन यहाँ पे जो अशोक की फैमिली है ना वो बलराम के ऊपर काफी प्रेशर डालती है ये कन्फेस करने के लिए ये मानने के लिए कि ड्राइविंग वो खुद ही अकेले अकेला था उस दिन गाड़ी पर अशोक बिकम्स इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन ब्राइविंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली कोल बिजनेस और जो अशोक है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ब्राइबिंग करता है उनको बहुत ज़्यादा घुस देता है जिससे कि उनका जो कोल बिजनेस है कोयले का जो बिजनेस है वो बढ़ता जाए बलराम देन डिसाइड्स दैट किलिंग अशोक विल बी दी ओनली वे टू स्केप इंडियन इंडियाज uh, बहुत बलराम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका कि आ सकता है कि जो रूस्टर कूप है वो क्या था किसके अकॉर्डिंग बलराम आ, बलराम के अकॉर्डिंग तो उसने एक मेटाफर बनाया था इसे उसने इसे मेटाफर किस चीज के लिए बनाया था उसने ये रिप्रेजेंट करता था ऑपरेशन ऑफ इंडियाज पोअ इसी तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो इंडियाज रूस्टर कूप है ये किस वर्क में है तो वाइट टाइगर में है यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि ये यूज़ किसने किया था ये बलराम ने यूज़ किया था बलराम ने इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया था उसने यूज़ किया था इसे ऑपरेशन ऑफ इंडियाज़ पुअर के लिए यूज़ किया था तो एक ही चीज़ से बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं Just as the roosters in a coop that at the market was themselves get slaughtered one by one, by तो जो एजस्टर कूप है वो होता क्या है कि जो आ, मुर्गियों का जो आ, हम उसे हिंदी में बोलते हैं दड़वा राइट right. जहाँ पे कि मुर्गियों को अंदर रखा जाता है एक एक करके अपना इंतजार करते हैं वहाँ पर एक एक करके जो उनको स्लॉटर किया जाता है उन्हें मार दिया जाता है तो एक एक करके यूज करते हैं उनको तो उसी तरह से जो गरीब लोग हैं वो भी अपनी बारी का एक एक करके इंतजार करते हैं बट आर अनेबल और अनविलिंग टू ब्रेक आउट द केज लेकिन वो ना तो उनकी बस के जो केज है जैसे मुर्गियों के बस का जो केज है उनकी कोई क्षमता नहीं है कि वो उस केज को तोड़ पाए और ना ही उनकी कुछ इच्छा इस तरह की होती है इसी तरह से वो गरीब लोगों को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलरली अशोक टू पोर्ट्रेड एज बींग ट्रैप्ड इन दी मेटाफोरिकल रूस्टर कोंट्रोल्स वी डोसाइटी डिक्टेट्स हाउ ही एक्ट तो इसी तरह से अशोक को वहां पर आ, अशोक को भी वहां पर शो किया जाता है बॉटल एंड स्टिलिंग अ लार्ज ब्राइव यहां पर आप एक अच्छा वर्ड याद कर सकते हैं ब्लज यर्निंग मीन्स होता है किसी को किसी भारी चीज से मारना सो हिटिंग विद यू कैन से हिटिंग विद समथिंग हैवी आर्टिकल और थिंग तो ब्लड जी ऑनिंग अशोक तो उन्होंने क्या किया कि जो uh, बलराम है वो अशोक के सर में uh, बॉटल से मारता है ओके एंड स्टीलिंग अ लार्ज ब्राइव और जो घूस देने के लिए अशोक ने पैसा रखा था उसको चुरा लेता है बलराम मूव्स टू बेंगलोर अब वो कहाँ चला गया है डेली से बेंगलोर चला गया तो धनबाद से वो गया है डेली डेली से अब गया है वो बेंगलोर उसने अशोक को मार दिया है वेयर ही ब्राइब्स द पुलिस इन ऑर्डर टू तो हेल्प स्टार्ट हिज ओन टैक्सी सर्विस बिजनेस तो यहाँ पर वो जाता है वो पुलिस को क्योंकि घूस देने की आ, देने का जो तरीका था वो उसने किससे सीखा था अशोक के साथ में क्योंकि वो उसका ड्राइवर था उसके साथ आता जाता रहता था उसने पुलिस को बहुत सारा वहां पे जाके घूस दी और उसने अपनी जो टैक्सी सर्विस है वो शुरू कर दी जस्ट लाइक like अशोक बलराम पेज ऑफ अ फैमिली सन वन ऑफ़ टैक्सी ड्राइवर्स हिट एंड किल्ड यहाँ पर आ, सेम चीज जो अशोक ने किया था वही बलराम करता है कि जब बलराम का एक कोई टैक्सी ड्राइवर क्या करता है एक आ, फैमिली के एक बच्चे को मार देता है तो बलराम भी अपना जो उसका मास्टर था प्रीवियस मास्टर था अशोक की तरह ही क्या करता उस फैमिली को पैसे दे देता है बलराम एक्सप्लेन्स दैट हिज ओन फैमिली वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली किल्ड बाय अशोक रिलेटिव्स एज रिट्रीब्यूशन फॉर हिज मर्डर तो यहाँ पे बलराम ये भी बताता है कि उसकी जो खुद की फैमिली है वो भी आ, मारी जा सकती थी अशोक के रिलेटिव्स के आ, द्वारा क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो बलराम है वो भाग चुका है और वो अशोक का ड्राइवर होता है एट द एंड ऑफ द नावल बलराम रेशनलाइज हिज एक्शंस एंड कंसिडर्स दैट हिज फ्रीडम इज वर्थ वाइफ ऑफ हिज फैमिली एंड ऑफ अशोक तो यहाँ पर जो बलराम है वो खुद के कामों को रैशनलाइज भी करता है वो कहता है कि जो मैंने किया वो ठीक किया Uh, क्योंकि जो उसकी फ्रीडम है उसकी कीमत किसको चुकानी है उसकी फैमिली को चुकानी है और अशोक को चुकानी पड़ी मींस वो इस बात को सही मानता है कि उसने जो किया है वो सही किया है और किसमें क्योंकि वो लेटर लिख रहा है एंड दस एंड्स द लेटर टू जिया बाऊ जो जिया बाऊ है उसको uh, उसके लिए जो लेटर लिखा है उसको खत्म कर देता है लेटिंग द रीडर थिंग्स ऑफ द डार्क यूमर ऑफ द टेल एज वेल एज द आइडिया ऑफ़ लाइफ एज अ ट्रैप इंट्रोड्यूस्ड बाई द राइटर और जो यहाँ पर जो राइटर हैं जो रीडर हैं सॉरी उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करने के लिए छोड़ दिया गया है कि वो किस तरह से करें बाकी जब तक हम टी जी टी पी जी टी लेवल के एग्जाम की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि हमें बलराम हलवाई का नाम याद हो अशोक नाम याद हो उसके जो प्लेसेज हैं कि वो कहाँ से कहाँ गया था राइट धनबाद से डेली डेली से आ, फिर वो गया था आपका बेंगलोर ओके तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है पिंकी मैडम आ, नाम था तो कैरेक्टर्स के नाम आप लोग जरूर लिख लीजिए पब्लिकेशन डेट आप लिख लीजिए और जो स्टोरी है उसे बड़े मजे से सुनिए जिससे आपको जो स्टोरी है वो काफ़ी दिनों तक याद रहे अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन देशनेशन के बारे में असेटिनेशंस अच्छा वर्ड है आप लोगों को ये वोकेबलरी में काम आएगा अगर हम पोलिटिकल मर्डर कोई भी होता है तो उसे हम असैसिनेशन बोलते हैं पोलिटिकल किलिंग किसी भी नेता को मार दिया जाए तो उसे हम असेसिनेशन की कैटेगरी में बोलते हैं चलिए स्टोरी देखते हैं ये आपका है बिटवीन द दसोशिनेशन इज द सेकंड बुक सेकंड बुक है तो ऑब्वियसली बात है ये द्विट टाइगर के बाद की होगी बाय अरविंद अडिका दो इट वाज रिटर्न बिफोर हिज फर्स्ट बुक द द्ट टाइगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बिटवीन द दसोशिनेशन थी आ, वो सेकेंड बुक पब्लिश थी लेकिन लिखी गई थी किससे पहले व्हाइट टाइगर से पहले लिखी गई थी द टाइटल रेफर्स टू दीरियड बिटवीन असेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन नाइनटीन एटी फोर एंड हर्सन राजीव गांधी नाइनटी वन तो जो ये स्टोरी है ये पीरियड को दिखाती है कहाँ से कहाँ तक जो इंदिरा गांधी की हत्या से और राजीव गांधी की हत्या हुई थी जो नाइन्टी वन तक इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको दिखाता है इंदिरा गांधी वॉज दर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वैन शी वॉज assassinated, जो इंदिरा गांधी है वो क्या है आपकी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी जब उसको असैशिनेटेड किया गया था राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन नाइनटीन एटी फोर राजीव गांधी अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एटी फोर में एंड लेफ्ट ऑफिस फॉलोइंग हिज पार्टीज डिफीट इन नाइनटीन एटी नाइन जनरल इलेक्शन ये आपका मतलब स्टोरी का जो है बैकग्राउंड है और उन्होंने अपना जो त्यागपत्र दे दिया है एटीन नाइनटीन एटी नाइन में ओके okay, जब उनके जनरल इलेक्शन हुआ था और वो हार गए थे बिटवीन इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और जो बिटवीन देशन है वो कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है द स्टोरीज टेक प्लेस इन अ फिक्शियस टाउन कित्तूर इन साउथ वेस्ट इंडिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो बिटवीन द असैशनेशन है वो उसका जो फिक्शस टाउन है फिक्शस टाउन का मतलब सिंपली आप झूठा मीन्स जो कि एक्चुअल में नहीं है रियल नहीं है आप वोकेबलरी भी इसीलिए बताता चलता हूं कि एक जो हम एक घंटे का जो भी वीडियो करें उसमें काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं उनको आप लोग याद करते हुए चलिए वोकेबलरी भी साथ में तैयार होती जाएगी तो उस जगह का नाम है कित्तूर ये कहाँ पे है साउथ वेस्ट इंडिया में है इट वॉज़ औरिजिनली मॉडल ऑन अडिगाज होम टाउन मैंगलोर और जो कित्तूर है वो मैंगलोर है एक्चुअल में ओके okay? जो अरविंद अडिका का होम टाउन है बट वो सब्सटेंशली चेंज टू मेक रूम फॉर देट डाइवर्स प्लॉट एंड कैरेक्टर्स और क्योंकि मैंगलोर जो है वो उतना डायवर्स नहीं था जितना राइटर को चाहिए था मीन्स उसमें उतनी अलग अलग एक्टिविटीज़ नहीं होती थी जितनी अरविंद अडिका को चाहिए थी इसलिए उसने क्या कर दिया कि किर अपनी इस एक जगह को डिवाइस कर दिया नई जगह को बना दिया द स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट क्लास क्लासेज कास्ट एंड रिलीजन्स इन इंडिया और जो स्टोरीज हैं इसमें उसमें डिफरेंट क्लासेज हैं कास्ट हैं और हैं इन ईच स्टोरी अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज इंट्रोड्यूस्ड बट प्लेसिस एंड नेम्स अपियर अगेन इन अदर स्टोरीज यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टोरीज का कलेक्शन है तो हर कलेक्शन में आप लोगों को बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स uh, देखने को मिलेंगे और जो uh, लेकिन जो जगह है प्लेस और नेम्स हैं वो बार बार आपको देखने को मिलते हैं इवन दो इट वॉज पब्लिश आफ्टर द वाइट टाइगर बिटवीन द दसेनेशन वॉज स्टार्टेड एंड मोस्ट लाइकली फिनिश्ड बिफोर द वाइट टाइगर इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं देंट हु टू रन अवे विद हिज मास्टर्स मास्टर्स मनी द विलेज विलेज हिक सेंट टाउन नेपाली गार्ड्स एंड हिट एंड रन एक्सीडेंट बाय अ रिच मैन विच इज सब्सिक्वेंटली कवर्ड अप बाय करप्ट पुलिस मैन आफ्टर अपीयर इन बेड बिटवीन देशन एज वेल एज इन द्ट टाइगर सो स्टोरी जो है वो uh, लगभग हमें वही चीजें बार बार देखने को मिलती है जैसा कि वाइट टाइगर में हमें देखने को मिला था कि एक इसमें भी क्या होता है एक सर्वेंट है जो कि उसे कहा जाता है कि वहां से वो भाग जाए अपने मास्टर के मनी के साथ अब जो सर्वेंट है वो इसलिए क्योंकि अ हिट एंड रन केस हो जाता है एक जो रिच है और वो कहता है कि अपने सर्वेंट को कि तुम वहां से भाग जाओ पैसे लेकर तो यही स्टोरी लगभग जो है वो थोड़ी सी चेंज के बाद दी वाइट टाइगर में हमें देखने को मिलती है तो इसमें काफी सारी स्टोरीज हैं बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं तो यूजुअली उसके बीच के जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं या जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो वो नहीं पूछे जाएंगे यूजुअली जो मेन जो लीडिंग हम वर्क करें कहें उनके बारे में पूछा जाता है तो काफी सारी स्टोरीज हैं उन्हें छोड़ देते हैं आ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पब्लिकेशन डेट है या उनका जो सीक्वेंस है उसे याद रखने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट जो है वो है लास्ट मैन इन द टावर लास्ट मैन इन द टावर आई थी आपकी टू थाउजेंड इलेवन में लास्ट मैन इन द टावर इज टू थाउजेंड इलेवन बाय इंडियन राइटर अरविंद अडिगा तो ये टू थाउजेंड इलेवन में यहाँ पर इसका पब्लिशन हुआ था पब्लिश बाय हाप कॉलिंस इंडिया हापन कॉलिस्स इंडिया ने इसे पब्लिश किया था इट वॉज थर्ड पब्लिक पब्लिश्ड बुक एंड सेकेंड पब्लिश्ड नॉवल बाय अडिगा ये जो है ये थर्ड पब्लिश बुक है लेकिन सेकंड जो है नॉवेल है इट द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल फॉर अ स्लाइस ऑफ शाइनिंग मुंबई रियल एस्टेट तो ये मुंबई रियल एस्टेट की स्टोरी है द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल इज रिटायर्ड स्कूल टीचर नेम्ड योगेश ए मूर्ति तो यहाँ पे आपको लास्ट मैन इन द टावर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और uh, जो लास्ट है यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है इसका जो हीरो है वो है आपका एक स्कूल टीचर जिसका नाम क्या है योगेश ए मूर्ति हु इज अफेक्शनेटली नोन एज मास्टर जी उसे मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है अ प्रोमिनेंट बिल्डर ऑफिस टू बाय आउट अपार्टमेंट ब्लॉक एक जो बिल्डर है क्योंकि ये रियल इस्टेट की स्टोरी है और एक जो प्रोमिनेंट बिल्डर है वो पैसा देकर उस पूरी बिल्डिंग को उस पूरे टावर को ख़रीदना चाहता है लेकिन वहाँ पर कौन है एक मास्टर जी हैं उन मास्टर जी का नाम है योगेश ए मूर्ति वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि वो नहीं छोड़ेंगे अपनी जगह ऑल दी ऑक्यूपेंट्स एग्री एग्री एक्सेप्ट द मास्टर जी और uh, क्या होता है कि जो बाकी हैं जितने लोग हैं वो तो इस बात के लिए मान जाते हैं लेकिन जो मास्टर जी हैं वो इस बात के लिए नहीं मानते दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर बिल्डर एंड अदर रेजिडेंट्स और इस बात से क्या होता है बिल्डर को भी प्रॉब्लम होती है और जो और रेजिडेंट्स हैं उनको भी इस बात से प्रॉब्लम होती है आगे लास्ट मैन इन इन टावर इज अ नोवल दैट सेट्स टू मैन अगेंस्ट ईच अदर ओवर अदिफ्ट ऑफ अ स्मॉल फ्लैट इन मुंबई इंडिया यहाँ पर क्या होता है कि जो लास्ट मैन इन टावर की जो स्टोरी है आप लोगों को पता चल गई है कि दो आदमी हैं एक बिल्डर है और एक मास्टर जी हैं मूर्ति जी वो दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अब खड़े हो गए हैं क्योंकि उन्हें ओनरशिप चाहिए उस पूरी उस छोटे से स्मॉल फ्लैट की द प्लॉट इज फिल्ड विद दिवियस स्कीम्स एंड हार्ट फेल प्लीडिंग एज नेबर टर्न्स अगेंस्ट नेबर इन परस्यूट ऑफ थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दम और यहाँ पे जो नेबर हैं वो जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं स्पायरलिंग टू ट्रेजिक एंड अब इसका एक ट्रेजिक एंड है लास्ट दुखद इसका अंत होता है द नावल प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ लुक एट ग्रीड एंड हाउ इट कैन चेंज द ह्यूमन हार्ट ओकेजनली फॉर द बेटर और इसमें बताया गया है कि जो लालच है वो किस तरह से इंसान को बदल देता है द स्टोरी बिगिनस इन दैगनिस्ट धार्मशाह यहाँ पे एक वर्ड आया है एंटैगनिस्ट अंटैगनिस्ट और पोटैगनिस्ट दोनों अगर आप लोगों को नहीं पता तो पोटैगनिस्ट हीरो होता है अंटेगनिस्ट क्या होता है उसका उल्टा आप उसे विलेन भी बोल सकते हैं अब लिटरेचर में यूजुअली होता क्या है कि पोटैगनिस्ट और अंटेगनिस्ट का थोड़ा सा रोल हीरो और विलेन से थोड़ा अलग होता है आ, जो जो पूरे वर्क को डोमिनेट करे उसे हम अगर वो अच्छे अच्छा इंसान है ओके okay, अगर वो अच्छा इंसान है और पूरे वर्क को डोमिनेट करे मतलब हर जगह उसके प्रेजेंस रहे तो हम उसे प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं लेकिन अगर किसी कोई डोमिनेट करे और वो बुरा इंसान हो तो उसको हम क्या कहते हैं अंटैगनिस्ट कहते हैं इस तरह से आप इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं अ मुंबई डेवलपर प्रिपेयर टू तो मेक एन ऑफ टू देजिडेंस ऑफ द मिडिल क्लास विश्राम सोसाइटी तो सोसाइटी का नाम क्या है विश्राम सोसाइटी है ये चीज आप ध्यान रखिए जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बहुत मेहनत के साथ में ये पी कलेक्ट की जाती हैं यहाँ से बहुत जगह से मैटर इकट्ठा करना पड़ता है क्योंकि एक जगह ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए अपना अपने नोट्स खुद से भी बनाइए जिनके जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं वो अपने नोट्स इन वीडियोस को देखकर बना सकते हैं और जो लोग नोट्स खरीद चुके हैं उन्हें ये जैसा उन्हें पता है कि ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ तो उन्हें ये सारी पी कुछ दिनों बाद मिलती रहती है सॉरी पी जो है वो कुछ दिनों बाद मैं उनको फाइव टू तो सेवन डेज के बाद दे देता हूँ जिससे कि ये रहे कि आप वीडियोज़ भी देखें अब वीडियो देखने के बाद आप लोग पीपीटी पी पढ़े और पीपीटी देखने के बाद फिर से वीडियो देखें तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टोरीज हैं वो पूरी बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में घुस जाएंगे लेकिन अगर आप एक ही चीज़ एक ही मीडियम से पढ़ रहे हैं कि सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं या पी से पढ़ रहे हैं या सिर्फ वीडियोज ही देख रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा आपको सारे मीडियम यूज करने पड़ेंगे तब जाके आप लोगों को सक्सेस मिलेगी ज्यादा से ज्यादा आप लोग आ, फैक्ट याद कर पाएंगे तो आप लोग जैसे कैरेक्टर हो गया कैरेक्टर यूज आ, लिख लीजिए कीजिए और जैसे यहाँ पर एक जो स्पेशल जो लोकेशंस होती हैं जैसे मैंने कहा कित्तूर हो गया थॉमस आर्डी की वसेक्स नॉवेल्स हो गई तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है तो यहाँ पर विश्राम सोसाइटी के बारे में है मिडिल क्लास विश्राम सोसाइटी जो है वहां पर ये सारा जो हम कह सकते हैं टेंशन चल रही है डिवेलपर के बीच में और मास्टर जी के बीच में मिस्टर शाह वांट्स टू परचेज द टू बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो मिस्टर शाह है वो एक मुंबई का डिवेलपर है और वो चाहता है कि वो टू बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो वहां पर है उसे ले ले टीयर इट डाउन एंड बिल्ड अ लग्जरी हाई राइज बिल्डिंग और वो जो विश्राम सोसाइटी है उसे संघाई बनाना चाहता है ओके okay. uh, उस जो वहां पर दो बिल्डिंग है उन दोनों को तोड़कर वो एक सिंगल बिल्डिंग और उसका नाम बनाना चाहता है शंघाई शाह इज डिटरमाइंड एंड रिथलेस वो क्या है रुथलिस है बहुत ही क्रूल है उसे मीन्स वो लोगों पर दया नहीं करता एंड डज जस्ट अबाउट anything टू अकम्पलिश हिज गोल्स यहाँ पे एक ध्यान रखना है आप लोगों को एक एक वर्ड मैं आप लोगों को बता दूँ कि अकम्पलिश और अकम्पलिस एक वर्ड होता है फिर से अकम्पलिस सीई ओके बहुत ही छोटा माइनर डिफरेंस डिफरेंस होता है यहाँ पे एस एच है और यहाँ पे है आपका सी ई -E है अकम्पलिश मीन्स होता है किसी एम को कम्प्लीट करना जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू अकम्पलिश हिज गोल्स वो अपनी जो भी उसकी गोल्स हैं उनको अकम्पलिश पूरा करना और अकम्पलिस मीन्स होता है आपका किसी बुरे काम में साथ देना किसी क्राइम में साथ देना उसे अकम्पलिस बोलते हैं तो बहुत ही छोटा एक डिफरेंस है आप लोग ये वकेबलरी के लिए याद रख सकते हैं हिज गोल्स इंक्लूडिंग नेग्लेक्ट हिज ओन हेल्थ और जो शाह है वो बहुत ही बुरा इंसान है वो कुछ भी कर सकता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अब उसे दोनों बिल्डिंग वहाँ पे चाहिए हाउ ही मीट्स इज मैच इन योगेश मूर्ति अब उसको अपना मैच बिल्कुल जैसा वो बुरा इंसान है उसी तरह का एक ढीठ इंसान हम बोल सकते हैं या जो जिद्दी इंसान मिल जाता है वो है योगेश मूर्ति जो कि एक मास्टर जी हैं अ रिटायर्ड टीचर रिटायर्ड टीचर हैं हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लार्ज सम ऑफ मनी बट राधर इन होल्डिंग ऑन द and डॉटर अब मास्टर जी जो हैं वो इसलिए अपना उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहते नहीं तोड़ना चाहते क्योंकि वहाँ पर उनकी वाइफ की भी डेथ हुई है और उनकी डॉटर की भी डेथ है इसका मतलब उनकी जो मेमोरीज हैं उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है और यूजली लोग फिर उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहते वहां रहना चाहते हैं तो जो मास्टर जी हैं वो अपना अब किसके सामने अड़ चुके हैं मिस्टर शाह के सामने अड़ चुके हैं शाह इट्स रेजिडेंस जो शाह का असिस्टेंट है वहां जाता है और बिल्डिंग के में रहने वाले लोगों से बातचीत करता है विद इंफॉर्मेशन इन इन हैंड मिस्टर शाह मेक्स नोन ऑफर ऑफ़ थ्री थ्री लाख थर्टी थाउजेंड डॉलर पर हाउस हाउस होल्ड टू द टाउन ए एंड बी एंड गिव्स अ स्टिक डेड बाय विच टू रिप्लाई अब क्या होता है कि थ्री लाख थर्टी थाउजेंड बक्स वो क्या कर रहा होता है दे रहा होता है हर एक जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन सभी को और जो गिवन दैट द एवरेज इनकम ऑफ द मोस्ट पीपल इन इंडिया इज रफली एट थाउजेंड पर ईयर अब यहाँ पे क्या है एट थाउजेंड डॉलर जो है वो मोस्टली जो लोगों की इनकम है उस टाइम पर ईयरली थी इसलिए शाह को लगता है कि सभी को इसे मान जाना चाहिए सभी जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस जो बाई आउट ऑफर है सभी को ये पसंद आता है बट देयर आर सेवरल होल्ड आउट हुस रीजन फॉर सेंक यू लेकिन कुछ वहाँ पे लोग हैं जो uh, जिनके पास कुछ रीजन है अपने अलग अलग रीजन है वो नहीं बेचना चाहते अपने अपार्टमेंट दिंटोज वॉन्ट टू स्टे बिकॉज पिंटो इज प्रैक्टिकली ब्लाइंड यहाँ पे जो पिंटोज फैमिली है वो इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मिसेज uh, पिंटो क्या है वो ब्लाइंड है बट शी नोज हर वे अराउंड बिल्डिंग एंड इज वरीड अबाउट हाउड कोप हैविंग टू मूव एल्स वेयर और जो मिसिस पिंटो है वो उस बिल्डिंग उस अपार्टमेंट में इसलिए रहना चाहती है क्योंकि वो आसपास उस बिल्डिंग के जो आस पास का एरिया है उससे अब वो अवेयर है इसलिए वो नहीं जाना चाहती और जो मिसिज रिगो है हेज बिन चीटेड आउट ऑफ मनी बिफोर हैज सीन अमिलर सिचुएशन विद हर अंकल शी इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट अ बिल्ड सच ए अब यहाँ पर जो दूसरा है मिसिज रिगो है वो भी वहां से नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको इससे पहले चीटेड किया गया था उसे धोखा मिला था और वो खुद उसके आ, किसी अंकल ने उससे धोखा किया था इसलिए वो शाह पे आप क्या नहीं कर सकती विश्वास नहीं कर सकती मास्टर इज नॉट सपोर्टिंग हिज फ्रेंड्स द पिंटोज बट वांट्स टू स्टे इन हिज होम वेयर हिज मेमोरी ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर आर मोस्ट विविड यहाँ पर क्या है कि जो मास्टर जी हैं वो अपने जो लोग हैं आसपास के उनके सपोर्टिव तो नहीं है बट क्या है कि उनकी भी कुछ मेमोरीज हैं अपनी डॉटर और वाइफ जिनकी वहाँ पर अब डेथ हो चुकी है एंड मिस्टर कड़वा जो मिस्टर कड़वा है इज सिंपली वेटिंग अ बिट टू मेक हिज डिसीजन और वो अभी डिसीजन नहीं ले पाए हैं सिंस ही हर्ड समवन कॉल मास्टर जी अ जेंटलमैन फॉर सपोर्टिंग हिज फ्रेंड ही डिसाइडेड टू नॉट अपीयर ओवरली एंक्शस टू गो आफ्टर द मनी अब जो है जो मिस्टर कड़वा है वो वहाँ से Uh, पैसे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं एज द बिल्डिंग आर बिल्डिंग्स आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनलेस टू ऑफ द बिल्डिंग कैन नॉट बी सोल्ड अब जो बिल्डिंग है वो एक्चुअल में क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है इसलिए जब तक कि सभी एग्री नहीं हो जाते तब तक उसे बेचा नहीं जा सकता दस द कन्फ्लिक्ट और यही क्या है झगड़ा है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट वहाँ पर इनिशियली जेंटल परसुएशन एंड प्लीडिंग इज यूज टू गेट दोज इन अपोजिशन टू चेंज दियर माइंड्स पहले तो बड़े प्यार से उन्हें समझाया जाता है कि वो अपना जो माइंड है उसे चेंज कर दें सेवरल रेजिडेंट्स नेमली द बिल्डिंग सेक्रेटरी मिस्टर कोठारी एंड रेजिडेंट मिस्टर अजवानी मेक्स देयर सर्विसेज अवेलेबल टू शाह एंड लेफ्ट हैंड मैन टू हेल्प गेट द आंसर्स चेंज टू यस अब यहाँ पे दो इंसान हैं जो बहुत कोशिश करते हैं शाह की हेल्प करने की मीन सबसे हाँ करवाने की पहला है मिस्टर कोठारी दूसरा है मिस्टर अजवानी शान मुंगम शाहस मैन अब जो है शान मुंगम जो है वो शाह का आदमी है हैज टेकन केयर ऑफ डिफिकल्ट पीपल बिफोर एंड यूजेस फोर्स टू गेट थिंग्स डन और जो ये आदमी है शाह शान मुंगम ये जो कैरेक्टर है ये बड़ा मीन्स बुरा इंसान है उसने बहुत सारे लोगों को मजबूर किया था अजवानी इज पर्टिकुलरली अडेप्ट एट मैनिपुलेटिंग पीपल टू गेट देम टू सी दॉजिटिव साइड ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर अजवानी काफी कोशिश करता है मिस्टर अजवानी के सभी लोग पॉजिटिव साइड साइड देख कर uh, बात को मान जाए और शाहमंगम जो है वो uh, एक तरह से धमका कर कोशिश करने वाला है ही अपील्स टू मिस्टर कुटेप एंड गो फॉर द मनी वो मिस्टर कड़ुआ को कहता है कि मीन्स तुम्हें पैसे के बारे में सोचना चाहिए कह, कहने का मतलब है कि थ्री थाउजेंड थर्टी डॉलर जो है थ्री लैक थर्टी थाउजेंड डॉलर जो है वो काफी अच्छा अमाउंट है तो इसलिए वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है ही शोज हिम आर नेबर्स न्यू कार एंड अलाउज हिम टू टच इट वो मिस्टर कड़ुआ को कहता है कि जाके कार को टच करो उसे टच भी करवाता है रियलाइजिंग दैट द डिजायर फॉर मटीरियल थिंग्स विल भी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट वो ये मानता है कि जो मिस्टर कड़वा है जब वो कार को टच करेगा तो उसे अच्छा फील होगा और वो खुद को रजिस्ट नहीं कर पाएगा वो पैसों को मटीरियल थिंग्स को आ, आ, वैल्यू करने लगेगा मिस्टर कड़वा क्विकली चेंजेस इज माइंड अजवानी ऑल्सो सेट्स अनदर मेंबर ऑफ में सोसाइटी वर्क ऑन मिसेज रीगो अपीलिंग टू हर वुमन टू वुमेन अब यहाँ पर क्या होता है कि कड़वा तो न, अपना माइंड बदल चुके हैं Uh, क्योंकि उन्हें लग गया है कि मैं भी कार खरीद सकता हूँ अच्छी उसमें रह सकता हूँ पैसा आएगा अब जो मिसिज रिगो है कन्विंस uh, करने के लिए वो एक वुमेन uh, को क्या कर देता है वहाँ पर सेट uh, कर देता है कि जो उसको कन्विंस करेगी ऑल दो शी डज नॉट वॉन्ट टू ट्रस्ट रहा हर लॉन्गिंग फॉर बेटर लाइफ फॉर हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन विंस आउट ओवर हर रेजर्वेशन एंड शी टू एग्रीज टू सेल यहां पर क्या है कि वो भी अब एग्री हो गई है क्योंकि जो मिसिज रिगो हैं वो इसलिए एग्री हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि वो किस चीज के लिए लॉन्ग कर रही है किस चीज की इच्छा है उसे ना वो खुद की बेटर लाइफ चाहती है अपने बच्चों के लिए भी बेटर लाइफ चाहती है तो वो खुद तैयार हो जाती है अपना अपार्टमेंट सेल करने के लिए मास्टर जी एंड पिंटोज नाव बिकम द लास्ट होल्ड आउट्स अब दो बज गए हैं एक मास्टर जी है और एक पिंटोज है दोनों के दोनों अब क्या है होल्ड आउट्स हैं जिनके पास अपने अपने अपार्टमेंट्स हैं और वो नहीं बेचना चाहते मास्टर जी राइजेस दी ओकेजन एंड एम्प्लॉयज द एड ऑफ सेवरल सोसाइटिकल सोसाइटल इंस्टीट्यूशन दैट ही बिलीव श्योरली सेव दैप और मास्टर जी जो हैं इसके अगेंस्ट हो जाते हैं बहुत जगह अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बात करते हैं द पुलिस दे अ लॉयर एंड अ न्यूज़पेपर फैमिली इवम फॉर स्टूडेंट्स आर ऑल टैप टू प्लीड हिज केस अब यहाँ पर उसने सभी की मदद ले ली है जो मास्टर जी हैं चाहे पुलिस हो लॉयर हो न्यूज़पेपर हो और उनके जो पिछले जितने स्टूडेंट्स उनको भी उन्होंने केस में उन्हें हेल्प करने के लिए बुला लिया या उनकी मदद मांगी वन बाय वन ईच फेल्स हिम एंड ही सीज दैट शाज पावर एंड मनी रीच एवरीवेयर करप्टिंग द वेरी थिंग्स ही होप वुड स्टैंड फॉर हिम लेकिन एक एक करके सारी चीज़ें चाहे पुलिस हो लॉयर हो न्यूज़पेपर हो फैमिली हो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं फेल हो जाती हैं क्यों शाह का जो पैसा और पावर है उसके आगे एज द डेड लाइन ईयर्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों स्टोरी हैं उसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अरविंद अडिका हैं उनके माइंड में खुद ही जो मुझे लगता है जो राइटर हैं उनके दिमाग में जो है पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पावर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये सच्चाई भी है जो सोसाइटी की कि अगर हम शाह के बारे में बात करें जो बिल्डर्स हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं यूजली पावर और पैसा यूज़ करते हैं एज दी डेड लाइन नेबर्स बिकम मोर डिस्टेंट एंड इवन अब्यूसिव इन दियर इंटरेक्शन विद मास्टर जी अब जो उनके नेबर हैं मास्टर जी के नेबर हैं वो क्योंकि अब जब तक मास्टर जी हाँ नहीं कहेंगे तब तक किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा तो सारे लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं उनसे गालियाँ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं क्रैंक फोन कॉल्स फ्रॉम अजवानी एंड शान मुगम एन अटैक ऑन मिस्टर पिंटोस विच कॉजिज हिम टू ब्रेक हिज फूट एंड फेस इज ऑन मास्टर जीज डोर आर सम्प टू फोर्स यस आंसर्स अब जो अजवानी है वो क्रैंक कॉल्स किया करता है और शाहम जो है वो मिस्टर पिंटो पर अटैक करता है ये सारे काम शुरू हो जाते हैं गिव टू द प्रेशर अब जो पिंटो फैमिली है वो क्या करती है uh, मान जाती है uh, जब उन पर इतना प्रेशर होता है तो मान जाती है कॉजिंग आ रिफ्ट बिटवीन देम एंड लॉन्ग टाइम फ्रेंड और uh, जो उनके मास्टर जी हैं वो उनके साथ में उनके साथ उनका फिर संबंध बिगड़ जाते हैं ऑन ओन इन बैटल मास्टर जी बिकम्स द लास्ट मैन इन द टावर तो यहाँ पे जो स्टोरी है इस लाइन से क्लियर होती है कि मास्टर जी जो है अब उस टावर में लास्ट इंसान है फाइटिंग नॉट ओनली अगेंस्ट मिस्टर शाह बट अगेंस्ट हिज नेबर्स एज वेल वो अपने नेबर्स के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे होते हैं शाह के अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हैं आफ्टर दिस सोसाइटी दोसाइटी वो टू ऑफिशियली एक्सपेल मास्टर जी फ्रॉम द बिल्डिंग दे बिलीव इन द बैटल इज़ ओवर और वो चाहते हैं कि सोसाइटी मेंबर्स जो हैं वो वोट कर देते हैं ऑफिशियली कि जिससे कि मास्टर जी को वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाए बाहर निकाल दिया जाए बट वैन नो कम्युनिकेशन कम्स फ्राम मिस्टर शाह एंड द डेड लाइन कम्स एंड गोज दे गेट इवन मोर कंसर्न अब क्या होता है कि मिस्टर शाह से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और डेड लाइन भी आ चुका है उन्हें यस yes करना है सभी को दे टेक मैटर इन टू देयर ओन हैंड्स नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन द टेक्टिक्स ऑफ शाहमुगम अब वो सारे लोग अपने हाथ में इस मैटर को ले लेते हैं शाहमुंगम पर वो विश्वास नहीं करते हैं शाहमुगम इन अ हॉरिबल एक्ट ऑफ बिट्रियल ग्रीड एंड लॉस ऑफ ह्यूमनिटी सेवरल मेंस नॉक मास्टरजीज मास्टरजी अनकॉन्शियस विद अ हैम एंड थ्रो हिम ऑफ द रूप टॉप अब जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिट्रेयल धोकिया हो गया ग्रीड लालच लॉस ऑफ ह्यूमनिटी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो क्या करते हैं बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं सभी मास्टर जी को बेहोश करते हैं मार के हाँ पीट के और हैमर से उसे पीटते हैं और उसे रूफ टॉप से नीचे फेंक देते हैं हिज डेथ इज़ रूल्ड एज सुसाइड एंड द सोसाइटी मेंबर्स फाइनली गेट दियर सेटलमेंट विद शाह और ये कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर दिया है क्योंकि सभी लोग उसमें मिले होते हैं टू मंथ्स लेटर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर लिविंग एल्स वेयर इन अप स्केल बिल्डिंग हैप्पी विद द न्यू लाइफ एंड डिवाइड ऑफ एनी एनी रिमोट्स जो दो महीने के बाद ये दिखाया जाता है ये लिखा जाता है नॉवल में न कि सभी के सभी खुश हैं अपनी नई लाइफ के साथ और उनका को रिमोर्ट्स रिमोट्स मीन्स होता है आपका रिपेंट रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप राइट right, तो जो रिमोर्स हैं कोई भी उस उनमें उन से रिमोर्सफुल नहीं है ओके okay? किसी को भी इस चीज़ से कोई पश्चाताप नहीं है तो कि उन्होंने मास्टर जी को मारा है बट मिसेस रिगो एंड अजवानी हु इन द लास्ट मोमेंट रियलाइज द एरर ऑफ हिज वेज अब जो मिसेस रिगो हैं और अजवानी हैं दोनों को उन बात में बुरा लगता है फाइंडस अ consign, uh, उनकी जो आत्मा है uh, वो जाग जाती है मॉन्स द लॉस ऑफ ओल्ड टीचर और वो रोते हैं दे रिमेंबर हिम एज अ मैन हु स्टूडअप फॉर हिज राइट्स एंड हैल्ड फॉर्म टू हिस्स बिलीस और वो इस बात के लिए उसे याद करते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहा और अपने विश्वास के लिए वहाँ बना रहा एंड इवन दो दे टू आर लिविंग विद द बेनिफिट्स ऑफ बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर देयर हार्ट्स हैव बीन करप्टड बाई ग्रीड and they each work in their own ways to pursue honest lives and help those less fortunate और दोनों के दोनों जो कौन कौन मिसेस रीगो हैं और अजवानी हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है लास्ट में कि अब उन्हें बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर तो है लेकिन उन्होंने जो अपना हृदय है उसको करप्ट कर लिया है और ये जो करप्ट है उनका जो हार्ट अब करप्ट हो चुका है अब वो चाहते हैं कि थोड़ा अच्छी ज़िंदगी जी जी लेते हैं मीन्स वो क्या हैं रिमोर्सफुल हैं उन्हें पश्चाताप हैं वो रिपेंट फील कर रहे हैं तो वो कुछ लोगों की इसलिए मदद भी करते हैं अगला जो वर्क है वो है आपका सिलेक्शन डे सिलेक्शन डे इज टू थाउजेंड सिक्सटीन स्पोर्ट्स फिक्शन नावल ये स्पोर्ट्स फिक्शन नॉवल है टू थाउजेंड सिक्सटीन में आई थी और इन्हें इसे बुक प्राइज मिला था इट वॉज तो आपको याद रखना है कि अरविंद अडिका को बु का प्राइज भी मिला था इट वॉज शॉर्ट लिस्टेड अलोंग विदोर अदर राइटर्स प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर इट इज नॉट आस्ट नहीं ये नहीं पूछा जाएगा यूजली इट टेल्स दी ऑफ मोहन कुमार इसमें किसकी स्टोरी है जो टेग्निस्ट है वो आपका मोहन कुमार अ चटनी सेलर ये चटनी सेलर है वो ट्रेन सेज़ टू सन्स मंजू कुमार और राधा कृष्णन फॉर मुंबई अंडर 19 क्रिकेट टीम ये दो उनके बेटे हैं मंजू कुमार है और राधा कृष्णा है जो जिनको कि वो अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए खुद ही ट्रेन करता है ही मंजू मीट्स हिज राइवल जावेद तो मंजू जो है उसका जो राइवल है वो कौन है जावेद समरी देखते हैं सिलेक्शन डे इज़ अ नावल फॉलोइंग दोरी ऑफ द कुमार जो सिलेक्शन डे है वो नावल है आपका Uh, कुमार्स जो हैं दोनों की अ फैमिली लिविंग इन मुंबई इंडिया सिलेक्शन डे इज सेट अराउंड प्रेजेंट डे एंड इट्स मेन कैरेक्टर मंजुनाथ मंजू कुमार एंड यंगर ऑफ टू ब्रदर तो जो ये स्टोरी है ये है आपकी मंजुनाथ मंजू की और ये है यंगर ऑफ टू ब्रदर्स तो ये छोटा है दो भाइयों में से दी ब्रदर राधा इज वन ऑफ वन ईयर ओल्डर एक साल बड़ा जो है वो है राधा एंड देयर फादर मोहनदास मोहन कुमार और उनका जो फादर है वो मोहन कुमार है उनका नाम मोहनदास हैज़ बिन ट्रेनिंग देम एज क्रिकेट प्लेयर फ्राम वेरी यंग एज और बस छोटे जब उनके बच्चे होते हैं मोहनदास के तो उन दोनों को ट्रेन करते हैं द कुमार्स आर वेरी पुअर जो कुमार हैं वो बहुत ही गरीब हैं दे मूव टू मुंबई फ्राम अ वलेज इन वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से वो मुंबई आए हैं नॉट लॉन्ग आफ्टर मूविंग इन मूविंग टू मुंबई मोहन वाइफ मंजू एंड राधाज मदर लेफ्ट द फैमिली एंड वेंट ऑफ ऑन हर ओन और जो मोहन कुमार है उसकी जो वाइफ है वो वहाँ से चली जाती है उसके दो बेटे जो हैं मंजू और राधा दी फैमिली ग्रीव्ड बहुत दुख होता है फैमिली को मोहन सून डिसाइडेड टू फोकस हिज एनर्जी ऑन ट्रेनिंग हिज सन्स टू बी प्रोफेशनल क्रिकेट क्रिकेट प्लेयर इन दी होप्स दैट दे मे बी रेज आउट ऑफ पॉवर्टी और वो दोनों को क्रिकेट सिखाना शुरू करता है मोहन बहुत मेहनत से उसे लगता है कि क्रिकेट प्लेयर अगर वो बन गए तो इस गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे मोहन प्लेस टू हिंदू डाइटी सुब्रमण्य जो मोहन है वो सुब्रमण्य जो हिंदू डाइटी हैं देवता हैं उनको पूजा करता है आस्किंग फॉर राधा टू बिकम द बेस्ट क्रिकेटर क्रिकेट बैट बैटर इन दर्ल्ड एंड फॉर मंजू टू बिकम दिस सेकेंड बेस्ट तो वो चाहता है कि जो राधा है वो बेस्ट बने और जो मंजू है वो सेकेंड बेस्ट बने वेन दॉयज आर इन दिया अर्ली टीम्स दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ मैन कॉल्ड टॉमीसर तो उनका एक सर है टॉमिसर हु इज टैलेंट स्काउट फॉर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और वो टैलेंट स्काउट है मुंबई क्रिकेटर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ही हेल्प्स नेविगेट अ स्पॉन्सरशिप डील फॉर देम विद अ ने आनंद मेहता तो यहाँ पर जो है आनंद मेहता एक आदमी है जो कि उनकी स्पॉन्सरशिप ले लेता है उन उसके लिए हेल्प कौन करता है टॉमी सर यह आपको स्टोरी में याद रखना है आनंद मेहता जो है उनको हेल्प करता है सॉरी टॉमी सर उनको हेल्प करता है कि जिससे कि उन्हें स्पॉन्सरशिप कर दी जाए आनंद मेहता के द्वारा मेहता एग्रीज टू सपोर्ट द कुमार्स फाइनेंशियली टू एक्सचेंज फॉर अ परसेंटेज ऑफ राधा एंड मंजूज फ्यूचर क्रिकेट अर्निंग इफ दे बिकम प्रोफेशनल्स मेहता जो है वो इसलिए एग्री हो जाता है कि वो इसलिए सपोर्ट करता है इस्पॉन्सर करता है कि अगर कुमार जो हैं अगर वो दोनों के दोनों क्रिकेट में आ गए कभी फ्यूचर में तो उनकी जो अर्निंग होगी उसका एक जो हिस्सा होगा परसेंटेज होगा वो उसे मिलेगा आफ्टर ईयर ऑफ सेविंग मनी फ्रॉम स्पॉन्सरशिप डील द मूव्स फ्रॉम मुंबई स्लम टू दाहिसा टू द द मुंबई सब चैम चेंबूर तो अब वो क्या हो गया है कि उन्होंने काफ़ी स्पॉन्सरशिप डील जो है उससे काफ़ी सारा पैसा बचा लिया था और अब वो आ चुके हैं चेंबूुर मंजू एंड राधा कंटिन्यू टू अटेंड द अली वेनबर्ग इंटरनेशनल स्कूल एंड प्ले फॉर द स्कूल्स क्रिकेट टीम अब जो मंजू और राधा हैं दोनों के दोनों अली वेमबर्ग इंटरनेशनल स्कूल के लिए खेलते हैं वन ऑफ देयर टीम जाविद अंसारी इमर्जेस एज अ सिग्निफिकेंट क्रिकेट टैलेंट रैवलिंग मंजू एंड राधा अब वहां पर एक दूसरा आ गया है उसका नाम है जावेद अंसारी जावेद अंसारी जो है वो मंजू और uh, राधा का क्या है राइवल हो गया है उनका विरोधी है हावे व राधा रिमेन्स द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर एट द स्कूल सेटिंग अ न्यू बैटिंग रिकॉर्ड फॉर देयर एज ग्रुप जो राधा है वो तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और एक अच्छा बैटिंग रिकॉर्ड भी बनाता है बट मीन फॉर द फिक्शस बिल्ड्स बिटवीन द कुमार ब्रदर्स एंड फादर फ्रिक्शन बिल्ड्स बिटवीन तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद कुछ कुमार ब्रदर और उनके फादर के बीच में कुछ फ्रिक्शन हो जाती है वेन मोहन कैच राधा विद अ गर्ल इन दाउस देर इज अ फिजिकल आल्टरकेशन बिटवीन मोहन एंड हिज सन्स जब मोहन राधा को एक लड़की के साथ में एक रूम में घर में पकड़ लेता है उसे वहाँ पर मिलता है वो तो उनके बीच में फिजिकल आल्टरकेशन होती है हताफाई होती है मोहन एंड हिज सन्स एंड मोहन एंड सब इन दी हॉस्पिटल विद अ ब्रोकन लेग और जो मोहन है वो, राधा जो है वो मोहन के पैर को तोड़ देता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है ऑल्सो मंजू सीक्रेटली विशिष्ट टू बी अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड ही फॉर्म्स अ फ्रेंडशिप विद जावेद अंसारी हुट इंटरेस्ट अब जो है यहाँ पर जो जावेद अंसारी है वो मंजू के साथ में क्या हो जाता है आ, अटेस्ट हो जाता है टेंशन अमंग दी कुमार्स राइज इवन फॉर द मंजू मंजू हिज ओल्डर ब्रदर्स क्रिकेट एबिलिटीज एंड इज अवॉर्डेड अब जो मंजू है वो राधा का जो है उससे अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है बाय द स्कूल ओवर राधा राधा से बेटर कौन हो गया है अब मंजू हो चुका है दिस टेंशन कम टू हैड ऑन सिलेक्शन डे वेन मंजू एंड राधा ट्राई आउट फॉर अ प्रोफेशनल क्रिकेट टीम अब जो मंजू और राधा uh, हैं वो सिलेक्शन डे में क्या हैं दोनों को दोनों ट्राई कर रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट टीम में आने के लिए राधा हु डिजायर्स ओनली टू बी प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर डज नॉट परफॉर्म वेल इनफ टू बी सेलेक्टेड एंड मंजू हु डज़ नॉट ट्रूली वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट डिस्पाइट हिज टैलेंट परफॉर्म्स क्वाइट वेल अब यहाँ पर क्या है कि जो राधा है वो आ, उसका एक सपना है प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए लेकिन वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाता और वो सेलेक्ट भी नहीं हो पाता लेकिन जो मंजू है वो ट्रूली वो आ, क्रिकेट नहीं खेलना चाहता लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है राधा इन हिज फ्रस्ट्रेशन अटैक्स अ फेलो क्रिकेट प्लेयर एंड मस्ट मस्ट फ्ली टू हिज फैमिलीज़ ओल्ड विलेज टू स्केप द पुलिस अब जो राधा है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो एक क्रिकेट uh, प्लेयर जो उसी के साथ में होता है दोस्त उनके साथ का उस पर अटैक करता है और इस uh, पुलिस से बचने के लिए अपने गाँव भाग जाता है मीन वाइल मंजू फ्रीज टू जावेद्स अपार्टमेंट एंड सेज ही विल नेवर प्ले क्रिकेट अगेन और जो मंजू है वो जावेद के अपार्टमेंट में आ जाता है और वो कहता है कि वो कभी दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेगा मंजू एंड जावेद्स रिलेशनशिप ऑलमोस्ट बिकम सेक्सुअल जब मंजू और जावेद हैं दोनों की जो रिलेशनशिप है वो सेक्सुअल हो जाती है बट देन मंजू रंस अवे फ्रॉम जावेद्स अपार्टमेंट टू गो होम एंड कंटिन्यू टू परस्यू क्रिकेट अब जो मंजू है फिर वहाँ से भाग जाता है वहाँ से चला जाता है और घर जाकर और अपना जो क्रिकेट है उसे फिर से परस्यू करता है इन दी एंड मंजू इज सिलेक्टेड टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली एंड राधा इज़ नॉट तो लास्ट में जो है मंजू का सिलेक्शन हो जाता है किसके लिए क्रिकेट खेलने के लिए और जो राधा है उसका नहीं होता मंजू प्लेस इन दी अंडर नाइनटीन लीग फॉर थ्री ईयर्स तो तीन साल के लिए अंडर नाइनटीन लीग के लिए खेलता है दैन फॉर मुंबई इज़ प्रोफेशनल क्रिकेट टीम फॉर थ्री ईयर्स और मुंबई की प्रोफेशनल टीम के प्लेयर के लिए भी वो गेम खेलता है हाउ ही इज़ देन ट्रांसफर्ड टू अ नोवल्टी लीग बैटिंग एज अ नन सेलिब्रिटी इन अ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग ही इज़ फाइनली फायर्ड ऑन हिज ट्वेंटी सेवन्थ बर्थडे एंड इज़ हायर्ड एज टैलेंट स्काउट फॉर दी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और लास्ट में उसे भी टैलेंट स्काउट के तौर पर चुन लिया जाता है राधा रिटर्न्स टू मुंबई नॉट लॉन्ग आफ्टर फ्लिविंग एंड ही रिमेंस जनरली अनएम्प्लॉयड लाइकली रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम मंजू और जो राधा है वो वापस आता है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं होती है उसे मंजू ही सपोर्ट करता है नीदर राधा और मंजू कीप इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देयर फादर और जो राधा और मंजू हैं वो अपने फादर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं बाई दिस टाइम जावेद हैज़ बिकम अ कॉन मैन एंड अ फेलिंग एक्ट एंड टॉमी सा हैज़ डाइड ऑफ स्ट्रोक नॉट लौंग राधा एंड मंजूस सेलेक्शन डे तो ये इसकी पूरी स्टोरी है यहाँ पर आप लोग कैरेक्टर्स याद रख सकते हैं और स्टोरी याद रख सकते हैं एमनेस्टी अ नावल बैकग्राउंड इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो एमनेस्टी जो नॉवल है और रिटन बाय अरविंद अडिगा एमनेस्टी अ नॉवल पब्लिश इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ये टू थाउजेंड ट्वेंटी में ही पब्लिश हुई है टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन इलीगली माइग्रेंट नेम्ड डैनी यहाँ पर डैनी की स्टोरी है Uh, who is in Sydney, Australia, Sydney Australia Australia hai, Danny. He has been working as a cleaner and living out of grocery storeroom for three years and has been trying to create a new identity for himself. After he gets a girlfriend named uh, Sonja, uh, unka, uski jo girlfriend hai, Danny ki, uska Sonja he tries to strive a more normal life हाव हिज लाइफ डजेंट बिकम टोटली नॉर्मल फॉर वाइल लेकिन उसकी लाइफ जो है वो टोटली नॉर्मल नहीं हो पाती वन मॉर्निंग ही फाइंड्स आउट दैट वन ऑफ हिस क्लाइंट वॉज बुटली मर्डर्ड डैनिस सस्पेक्ट्स दैट द पर्सन दैट मर्डर्ड हिम इज अ डॉक्टर होम ही नोज और उसे ये बात पता चलता है कि जो उसका क्लाइंट है उसका जो मर्डर किया है वो एक डॉक्टर ने किया है जिसको कि वो खुद जानता है ही फेसेस करेंड्रम दो